नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। रुक करते हैं इस वक्त की खबर की ओर। बार एसोसिएशन बाराबंकी ने पुलिस अधीक्षक से की मुलाकात। बार एसोसिएशन के महामंत्री रितेश मिश्र के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन। फर्जी मुकदमे से अधिवक्ता का नाम पृथक किए जाने को सौंपा ज्ञापन। खबर विस्तार से। बाराबंकी बाहरी मित्र पुलिस बिना जांच किए ही एक अधिवक्ता पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसका विरोध करते हुए जनपद के अधिवक्ताओं ने पुलिस कप्तान को एक शिकायती प्रार्थना पत्र देकर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमे से नामित अधिवक्ता का नाम पृथक कराए जाने की मांग की है। मामला थाना रामनगर के स्थानीय कस्बे का है। यहां के रहने वाले लवलेश शुक्ला पेशे से अधिवक्ता व पत्रकार भी हैं। रामनगर पुलिस ने अंतिम को संज्ञान में लेते हुए जनपद के अधिवक्ताओं ने महामंत्री रितेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती प्रार्थना पत्र देकर उक्त प्रकरण से अधिवक्ता का नाम पृथक किए जाने की मांग किया है। इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन के महामंत्री रितेश मिश्र, मोहम्मद ताहिर, शहर बानो मोहम्मद, अल्तमश मनोज कुमार तिवारी, शशांक त्रिपाठी, शशिकांत अवस्थी, राम सजीवन वर्मा, सुनील यादव, रामनगर बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप शुक्ल सहित तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। लोकेश जी में इनके ऊपर एक महिला ने फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया है और कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे सम्रांत लोग हैं जो मिली भगत से विपक्षी को एक करके इनके खिलाफ दिखाया गया है, क्योंकि ये PIL का एक मुकदमा जो है हाईकोर्ट में दाखिल किए हैं, जिसमें इनको लाभ मतलब जो है सफलता भी मिली है और 14 तारीख को लास्ट आर्डर भी है, उसी को में जो है सुलह के चक्कर में कि उस पर कार्रवाई ना हो, इस पर दबाव बनाने के चक्कर में इनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। क्या आश्वासन मिला? और ये निर्दोष हैं और SP साहब ने आश्वासन दिया है निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसकी जांच कराई जा रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये निर्दोष हैं, इनको जो है सफलता मिलेगी। इसके साथ कोई दूर